अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाई थी, तो अब अगर कोई यूज़र ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करता है तो हमारे फायर स्टोर डेटाबेस में उस यूज़र का एक के यूनिक कार्ट का कलेक्शन क्रिएट होता है। तो जब हम अपना यूज़र क्रिएट करते हैं, अपने यूज़र को साइन अप कराते हैं, तो फायर बेस उस यूज़र के लिए एक के यूनिक यूआईडी जनरेट कर लेता है। तो हर यूज़र की, क्योंकि एक यूनिक यूआईडी होती है, तो हमारे पास हर यूज़र का एक डिफरेंट कार्ड का कलेक्शन क्रिएट होगा। आज की इस वीडियो में हम ये कार्ड का कलेक्शन रिट्राइव कराएंगे और यूज़र के कार्ड के पेज पर डिस्प्ले कराएंगे। तो जब हम इस कार्ड के आइकन पे क्लिक करते हैं तो राउट होते हैं इस कार्ड के पाथ पे, और यहाँ मेरे पास एक कंपोनेंट वेंडर हो रहा है, और यहाँ पे मैंने फॉर नाउ सिर्फ कार्ड लिख दिया है। ये हमारी navbar.js की फाइल है, और ये मेरा कार्ड का आइकन है जो कि मैंने रैप किया हुआ है इस लिंक के टैग में। इस लिंक के टैग को मैंने जो पाथ प्रोवाइड किया है वो है /cart। ये जो स्लैश है ये आपकी मर्जी है, आप इसको लगाना चाहें या फिर नहीं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैंने साइन अप और लॉग इन में भी स्लैश का यूज़ नहीं किया है। अब इस app.js में मैंने एक राउटिंग कराई हुई है कि जब पाथ हमारे पास कार्ट हो तो कंपोनेंट रेंडर कर दो कार्ट। उसके बाद मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट किया है cart.js, और यहाँ पे मैंने फॉर नाउ सिर्फ कार्ट लिख दिया है जो कि हमें यहाँ पे विजिबल है। नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग कोड फॉर cart.js। लेकिन इससे पहले ये हम अपने मेन राउट पे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक नेव बार रेंडर हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब पाथ हमारे पास स्लैश हो तो हमारे पास जो कंपोनेंट रेंडर हो रहा है वो है home.js, और इस home.js में हमने अपनी नेव बार रेंडर कराई हुई है। तो हमें जो नेव बार है वो cart.js में भी रेंडर करानी है। ये मैं यूजर रिमूव कर देता हूँ फॉर नाउ। अब अगर मैं इस कार्ट के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो मैं राउट होता हूँ कार्ट पे, और हमारे पास कंपोनेंट रेंडर हो रहा है cart.js, और इस कंपोनेंट के अंदर हमारे पास रेंडर हो रही है हमारी नेव बार। तो अब इस नेव बार में हमें हमारा जो करंट यूज़र है वो गेट करना है, जिस तरह के हम अपनी home.js की नेव बार में कर रहे हैं। तो इसके लिए हम वही कोड यूज़ करेंगे जो हमने home.js में किया था। जिस तरह हमने home.js में करंट यूज़र गेट किया था, बिल्कुल उसी तरह हमने cart.js में करना है। तो अब मैंने ये जो वेरिएबल यूज़र था, ये इस वेरिएबल में ये फंक्शन ट्रिगर हो रहा है, और इस फंक्शन में हमने अपने यूज़र को गेट कर लिया है। इसके बाद मैंने इस यूज़र को एज अ प्रॉप पास कराया है अपनी navbar.js की फाइल को। अब हमारे इस फंक्शन के कोड में यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, auth और fs यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम यूज स्टेट, यूज इफेक्ट को इम्पोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम auth और fs को इम्पोर्ट कर लेते हैं कॉन्फिग की फाइल से। अब चल के देखते हैं अपनी एप्लीकेशन। तो अब जब मैं इस कार्ट का आइकन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे कार्ट के कंपोनेंट में जो नेव बार रेंडर हो रही है उसमें भी हमारे पास जो करंट यूज़र है वो गेट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इधर इस कार्ट के कलेक्शन को रिट्राइव करेंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेंगे।
तो यहाँ पे हम एक स्टेट बना लेते हैं कार्ट प्रोडक्ट्स की। बाय डिफॉल्ट ये एक एम्प्टी एरे होगी। अब इसे यूज इफेक्ट हुक में हम अपने जो कार्ट प्रोडक्ट्स का कलेक्शन है उसको रिट्राइव करेंगे और फिर ये वाली स्टेट अपडेट कर देंगे यूजिंग सेट कार्ट प्रोडक्ट्स। अब अगर हमारा यूज़र साइंड इन होता है तो हम अपना जो फायर स्टोर का कलेक्शन है उसको फैच कर लेते हैं। ये जो स्नैपशॉट है एज अ कॉल बैक फंक्शन हमने ये लिया है, तो स्नैपशॉट डॉट डॉक्स पे हमने मैप का स्टेटमेंट चलाया है और एज अ कॉल बैक ले लिया है डॉक। यहाँ पर मैं एक एडिशनल एट्रीब्यूट लूंगा आईडी, लेकिन इससे पहले ये जो ब्रेसेस हैं कर्ली ब्रेसेस इसको हम हटाते हैं और पहले हम लेंगे राउंड ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट के अंदर होगा हमारे पास कर्ली ब्रेसेस। और अब हम लेंगे आईडी और इसकी वैल्यू इक्वल कर देते हैं डॉग डॉट आईडी के। इसके बाद हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज करेंगे और तमाम डेटा पास करा देंगे यूजिंग डॉग डॉट डेटा। अब ये वाला जो ब्रेस है ये हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब यूजिंग मैप स्टेटमेंट जितना भी डेटा हम फेच कर रहे हैं फायर स्टोर से वो सेव हो रहा है न्यू कार्ट प्रोडक्ट में, और यहाँ पे हमने स्प्रेड ऑपरेटर भी यूज किया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी स्टेट अपडेट करा देते हैं सेट कार्ट प्रोडक्ट्स, और इधर हम प्रोवाइड कर देंगे न्यू कार्ट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग कार्ट प्रोडक्ट्स। तो कंसोल में आप चेक कर सकते हैं कि जो हमने अपना डेटा फेच किया है वो हमें कंसोल में शो हो रहा है। अब ये जो डेटा है ये हम अपने पेज पर डिस्प्ले करा सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। यहाँ पर हम कंडीशनल रेंडरिंग कराएंगे। कार्ट प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ लेस देन 1, इसका मतलब ये कि हमारे पास कार्ट में कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो इस सूरत में हम सिर्फ सिंपल एक डिवीजन ले लेते हैं क्लास नेम इक्वल टू कंटेनर फ्लूड, और यहाँ पे लिख देते हैं नो प्रोडक्ट्स टू शो। लेकिन अगर हमारे कार्ट में प्रोडक्ट होते हैं तो कार्ट प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0,
अब हम एक कंपोनेंट बनाते हैं कार्ट प्रोडक्ट्स का। और इस प्रोडक्ट्स बॉक्स के डिवीजन में जो हमने कंपोनेंट बनाया है इसको रेंडर कर देते हैं। ये जो कंपोनेंट है ये इंपोर्ट हो गया होगा ऑटोमेटिकली और हो गया है। अब हम इस कंपोनेंट में जो हमारी स्टेट की कार्ट प्रोडक्ट्स की उसको पास करा देते हैं एस प्रॉप्स कार्ट प्रोडक्ट्स इक्वल टू कार्ट प्रोडक्ट्स। अब चलते हैं कार्ट प्रोडक्ट्स डॉट जी एस में और यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं कार्ट प्रोडक्ट्स। ये जो सी है ये स्मॉल है। अब हम क्या करते हैं कि ये कार्ट प्रोडक्ट्स जो है इस पर हम चलाते हैं मैप का स्टेटमेंट। कॉल बैक ले लेते हैं कार्ट प्रोडक्ट विदाउट एस। ये राउंड ब्रेसेस होंगे और यहां पर हम रिटर्न कराते हैं एक और कंपोनेंट इंडिविजुअल कार्ट प्रोडक्ट डॉट जे एस। जब हमें कोई जीएसएक्स रिटर्न करानी होती है तो हम राउंड ब्रेसेस का यूज करते हैं। अब यहां पर मैं रिटर्न करा लेता हूं इंडिविजुअल कार्ट प्रोडक्ट का कंपोनेंट। यहां पर हम की का प्रॉप पास करा देते हैं। कार्ट प्रोडक्ट डॉट आईडी और यहां पर हम एज अ प्रॉप पास करा देते हैं कार्ट प्रोडक्ट। ये कार्ट प्रोडक्ट हमने एज अ कॉल बैक लिया है मैप स्टेटमेंट से। अब हम चलते हैं इंडिविजुअल कार्ट प्रोडक्ट डॉट जेएस में और अब इस पॉइंट पे हम जो अपना प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इसका जो HTML है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हम रिसीव कर लेते हैं कार्ट प्रोडक्ट। अब ये मेरे पास एक पेरेंट एलिमेंट है प्रोडक्ट, इसके अंदर मेरे पास एक है प्रोडक्ट इमेज और इस इमेज की सोर्स है मेरे पास कार्ट प्रोडक्ट डॉट URL। इसके बाद मेरे पास है टाइटल डिस्क्रिप्शन प्राइस। इसके बाद मेरे पास एक स्पैन का एलिमेंट है क्वांटिटी। उसके बाद मेरे पास एक पेरेंट डिव है क्वांटिटी बॉक्स का। इसमें मेरे पास एक माइनस का आइकन है और एक प्लस का आइकन है। ये जो ऑन क्लिक के इवेंट है ये मैं फॉर नाउ हटा देता हूँ। प्लस के आइकन पे क्लिक करने से प्रोडक्ट की जो अपनी क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी और माइनस के बटन पे क्लिक करने से प्रोडक्ट की जो इटसेल्फ क्वांटिटी है वो डिक्रीज होगी। इसके बाद है मेरे पास टोटल प्रोडक्ट प्राइस जो कि एडजस्ट होगी जब हम अपनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेंगे। उसके बाद मेरे पास एक डिलीट का बटन है, इस पे क्लिक करने से क्या होगा कि हम फायर स्टोर से वो प्रोडक्ट डिलीट कर देंगे। फॉर नाउ मैं ये ऑन क्लिक का इवेंट हटा देता हूँ। ये जो आइकन है ये रिएक्ट आइकन स्किट के आइकन है। ये आइकन्स मैंने इंपोर्ट कर लिए। अब चल के देखते हैं अपनी एप्लीकेशन और यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट था वो हमें अब विजिबल है। मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, ये मैं LED ऐड कर देता हूँ और ये मैं CCTV कैमरा ऐड कर देता हूँ। पहले चल के देखते हैं अपना फायर स्टोर और यहाँ पे अब मेरे पास तीन प्रोडक्ट्स हो गए। हम चलते हैं अपने कार्ट पे और यहाँ पर भी मुझे तीन प्रोडक्ट्स विजिबल हैं। मैं अब किसी दूसरे यूजर से लॉगिन करता हूँ।
अब अगर मैं इस यूज़र के कार्ट के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। ये मेरा यूज़र था और इधर मेरे पास दो डॉक्यूमेंट्स हैं और ये दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो प्रोडक्ट थे वो मुझे यहाँ पे विजिबल है। मैं यहाँ पे एक और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, ये वाला DSLR कैमरा। अब चलते हैं कार्ट के आइकन पे, तो ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे फायर स्टोर में ऐड हुआ और फिर मैंने इस प्रोडक्ट को रिट्राइव करा के अपने कार्ट के पेज पे डिस्प्ले करा दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो से बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें ताकि मैं अपना कंटेंट इम्प्रूव कर सकूँ। अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे कि इस प्लस के बटन पे, इस माइनस के बटन पे जब हम क्लिक करें तो क्वांटिटी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो, और उसी की बेसिस पे ये जो प्राइस है इसको एडजस्ट होना चाहिए। इसके अलावा हम जब इस डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो फायर स्टोर डेटाबेस से हमें प्रोडक्ट डिलीट करना है और उसके बाद हमें ये जो प्रोडक्ट है UI से भी डिलीट करवाना है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।